हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर आईटीआई की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं चुंबकत्व चैप्टर, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और बचे हुए क्वेश्चन को आज देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है चुंबकीय पदार्थ है, यानी क्या कह रहा है एक नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय पदार्थ है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत क्वेश्चन साफ सुथरा किया गया है कि चुंबकीय पदार्थ है, यानी इसका अर्थ यह है कि वैसे पदार्थ का नाम बताइए जो चुंबकीय हो, जिसमें चुंबक गुण धारण हो सके। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें ऑप्शन को ध्यान में रखना होता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑप्शन में दिया हुआ है पहला नंबर स्टील, दूसरा नंबर निकिल और तीसरा नंबर कोबाल्ट और चौथा नंबर दिया है ये सभी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि निकिल भी चुंबकीय पदार्थ है, स्टील भी चुंबकीय पदार्थ है और कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है। इन सभी से हम चुंबक तैयार कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। तो हम डायरेक्ट आंसर इसका लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ के आंसर में हम क्या लिख देंगे स्टील कोमा निकिल कोमा कोबाल्ट आदि ठीक इसी प्रकार से कुछ दो नंबर क्वेश्चन आना और दो नंबर क्वेश्चन कहता है कि अस्थाई चुंबक है। अस्थाई चुंबक है यानी हम किसको कह सकते हैं अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक सबसे पहले हम लोग अगर याद करें तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि छड़ चुंबक होता है, बेलनाकार चुंबक होता है, घोड़ा लाल चुंबक होता है, तो इसको हम लोग अर्शु चुंबक भी कहते हैं, निडिल चुंबक होते हैं। ये सारे चुंबक अस्थाई, ये सारे चुंबक अस्थाई चुंबक होते हैं। और हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया, अस्थाई चुंबक है यानी अस्थाई चुंबक में हम कह सकते हैं छड़ चुंबक अस्थाई चुंबक है। दूसरा घोड़ा लाल चुंबक चुंबक और बेलनाकार चुंबक चुंबक आदि, ये सभी चुंबक क्या है अस्थाई चुंबक है। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है चुंबक बनाने की विधि नहीं है। चुंबक बनाने की विधि नहीं है, तो चुंबक बनाने की विधि नहीं है इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि चुंबक सबसे पहले तो हमको ध्यान में लाना होगा कि किस किस विधि से हम लोग बनाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सिंगल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, बहुत और तीसरा बहुविभाजन स्पर्श विधि, यानी ये तीन विधि के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत चुंबक भी बनाया जाता है कि अगर हम किसी क्वाइल पर तार लपेट कर और विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं तो वो भी चुंबक का रूप धारण करता है। तो ये सारी विधि है चुंबक बनाने के, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है स्पर्श विधि, विद्युत धारा विधि और प्रेरण विधि। तो बिल्कुल सही है कि स्पर्श विधि से भी चुंबक बनते हैं, विद्युत धारा विधि से बनते हैं, प्रेरण विधि से बनते हैं, लेकिन एक विधि का जो नाम दिया है दृष्ट प्रेरण विधि, इस विधि से चुंबक नहीं बनता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दृष्ट प्रेरण विधि, इस विधि से क्या होता है चुंबक नहीं बनाया जाता। अगला है अनुचुंबकीय पदार्थ है, और चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय ने और चुंबक ये
पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ यानी जिसमें चुंबक का गुण ना हो, यानी चुंबकत्व का गुण जिस पदार्थ में बिल्कुल नहीं हो उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि सोना चांदी या अचुंबकीय पदार्थ है क्योंकि उसमें चुंबकत्व गुण बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है निकिल लोहा कोबाल्ट और सोना। तो निकिल लोहा कोबाल्ट और सोना, तो निकिल भी पता है कि चुंबकीय पदार्थ है, लोहा भी चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है। तो आंसर क्या होगा? सोना। सोना क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। किसी प्रकार से पांच नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और पांच नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबक, स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबक लटकी चुंबक उत्तर व डाइस दिशा की ओर ठहरती है, ठहरती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है कि जब हम पढ़ा रहे थे चुंबक चैप्टर तो उसमें हम बताए थे कि यदि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, मतलब एक धागे के माध्यम से अगर उसे लटका दिया जाए तो वह जब भी रुकेगा उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो एक ऑप्शन तो दिया हुआ है आपका कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक उत्तर व डैश दिशा की ओर लटकती है, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा। और ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है पूरब, पश्चिम, दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो पूरब तो हो नहीं सकता है, जब कोई चुंबक उत्तर के दिशा में है तो ये मुड़ के पूरब तो आएगा नहीं, पश्चिम भी मुड़ के जाएगा नहीं, जब भी लटकेगा तो उत्तर और किस दिशा में? दक्षिण दिशा में लटकेगा। दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।